तेरे सामने जो खड़ा है वो महात्मा गांधी का आदर। ना ना ये नहीं, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था। सच बताना सिंघम अगेन के लिए जितना हम एक्साइटेड थे, जिस तरह हमने इसका वेट किया था, भाई लगा था कि ये अगर आएगी तो बॉक्स ऑफिस को खा जाएगी। लेकिन ये नहीं पता था कि शेर के सामने 400 सीआर से भी ज्यादा का धंधा करके मंजुलिका छा जाएगी। मैं कब हो गया ये? एनीवेज अब होने को कौन टाल सकता है। चलो सिंघम अगेन का सिक्वल हिट नहीं हुआ तो क्या हुआ, लेकिन अजय पाजी की 2025 में ऐसे 4 सिक्वल्स आ रहे हैं, इस पर हम पूरी उम्मीद करके चल सकते हैं कि ये पक्का हिट हो गए। अब कौन से है वो सिक्वल्स जो बात करते हैं, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर अजय देवगन के फैन हो तो पूरा जरूर देखोगे, देखोगे ना। 2025 के स्टार्टिंग में ही अजय देवगन अपने भतीजे अमन देवगन को आजाद करेंगे। हकालने की बात नहीं हो रही है, लॉन्च करने की बात हो रही है। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। हाँ, आजाद में उनका भतीजा अमन देवगन लॉन्च हो रहा है विद रवीना टंडन की बेटी रशा थड़ानी। अब इन दोनों डेब्यूटेंट को साथ लेकर आ रहे अजय देवगन, मतलब अजय देवगन भी इसमें साथ नजर आने वाले। उनके ट्रेलर देखने के बाद काफी इंप्रेसिव लग रहा है। अब 17 जनवरी को देखना यह होगा कि अजय देवगन का इसमें क्या रोल होगा और अमन देवगन एंड रशा थड़ानी इसमें क्या कमाल करेंगे एज अ डेब्यूटेंट। अब बात करते हैं उनके पहले सीक्वल की, जिसका नाम है दे दे प्यार दे 2। और ये 2019 में दे दे प्यार दे 1 का सीक्वल होने वाला है, जिसने 24 सीआर में कर ऑलमोस्ट 143 सीआर कमा कर बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हो गई थी। ऐसे ही किसी भी मूवी का सीक्वल नहीं बनता है, भूल भुलैया से पूछो 400 सीआर। बाय द वे दे दे प्यार दे 1 को लिखा था लव रंजन साहब ने, वो एक काफी फील गुड मूवी थी, लाइक अक्षय कुमार की गुड न्यूज, मतलब सीधा थिएटर के अंदर सिंगल जाने का और डबल होकर वापस आने का। आई मीन तुम और तुम्हारा 3D का चश्मा। तुम क्या सोच रहे थे? वैसे जो भी सोच रहे थे बिल्कुल सही सोच रहे थे, क्योंकि ये मूवी 3D में है ही नहीं। वैसे दे दे प्यार दे 2 को भी लव रंजन साहब ने ही लिखा है। वैसे सर आप डायरेक्ट भी करते तो अच्छा होता, दोनों डायरेक्टर अलग अलग हैं। वैसे ये स्टोरी भी वहीं से कंटिन्यू होगी जहां से उन्होंने लास्ट टाइम छोड़ा था, मतलब अजय देवगन, रकुल प्रीत सिंह और तब्बू दे दे प्यार दे 1 में नजर आए थे। और यहाँ पर अजय, तब्बू एंड रकुल के साथ एक कैरेक्टर ऐड हो गया है, आर माधवन का, जो रकुल के पापा नजर आने वाले हैं। बाय द वे सबसे पहले ये कैरेक्टर अनिल कपूर साहब को दिया गया था, लेकिन वो बिजी है अल्फा करने में। हाँ भाई, आलिया शर्वरी के अल्फा। चलो आर माधवन को शैतान सूट करता है ले लिया, लेकिन रिंकिया के पापा, सॉरी रकुल के पापा कैसे रिंकिया के पापा। अब ये तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। वैसे ये रिलीज हो रही है 1 मई 2025 को, लेकिन रिलीज नहीं होगी क्योंकि उसी दिन पड़ने वाली है रेड। क्या हुई? यस, आपने बिल्कुल सही सुना, अपने अमय पटनायक इज बैक। और ऐसे बड़े से पोस्टर पे इन लोगों ने अनाउंसमेंट कर दिया कि 1 मई 2025 को हमारी मूवी रेडी बनकर आपके पास आने वाली है रेड मारने। और जिस तरीके से अजय देवगन ने लास्ट टाइम सरोज शुक्ला की धोती में रेड मारी थी, इस बार वो धोती में नहीं बल्कि सूट में रेड मारेंगे, रितेश देशमुख के सूट में, क्योंकि वही होने वाले इस पिक्चर की विलन। अब इसमें कोई दो राय नहीं कि ये मूवी भी हिट से सुपर हिट होगी, क्योंकि जब जब ये बंदा विलन बनता है तो रिजल्ट हमारे सामने है। एक विलन नहीं देखी क्या? नहीं नहीं, देखा, पूरा देखा। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये रेड का सीक्वल जरूर होगी, लेकिन फ्रेश स्टोरी के साथ, क्योंकि अगर ये उसका कंटिन्यूएशन होती तो इलियाना डिक्रूज की जगह यहाँ पर वाणी कपूर क्या कर रही है? ऑब्वियसली उसको रितेश के बैक को तो नहीं दिखाएंगे। अब इसको भी डायरेक्ट कर रहे हैं राजकुमार गुप्ता, जिन्होंने रेड 1 को डायरेक्ट किया था। अब देखना यह कि इस बार राजकुमार गुप्ता सूट से कितनी कोटि का सोना निकालेंगे, आई मीन कितना रेड मारेंगे। अब बात करते हैं उस मूवी की, जिसे देखने से पहले आपको ये बोलना जरूरी है, ओए बाजी कभी हंस भी लिया करो, सब्सक्राइब भी कर लिया करो प्लीज। क्या बात है सर, क्या बात है सर, ये बात है। जी हाँ दोस्तों, बात हो रही है सन ऑफ सरदार 2 मूवी की, जो सीक्वल होने वाली है 2012 की कल्ट क्लासिक सन ऑफ सरदार 1 का। और भाई साहब ये वही मूवी है जो सिर्फ 30 करोड़ में बनकर 161 वर्ल्ड वाइड इसने छाप लिए थे और छाप कर ब्लॉकबस्टर हो गए थे सीधा सीधा। भाई सच बोलू तो इसमें अजय पाजी ने तो अच्छा काम किया है, लेकिन संजय दत्त साहब की जो हंसी देखकर ऐसा लगता था कि यार कितना क्यूट बंदा है यार ये। वो कैसे बोलते थे? वैसे ये भी भले ही सन ऑफ सरदार 1 का सीक्वल रहेगी, लेकिन फ्रेश स्टोरी के साथ, जहां पर सन ऑफ सरदार 2 को डायरेक्ट कर रहे कोई न्यू पंजाबी डायरेक्टर विजय कुमार अरोरा, जिन्होंने इससे पहले एक भी बॉलीवुड की फिल्म डायरेक्ट नहीं करी है, सिर्फ पंजाब की ही करी है। लेकिन सबसे बढ़िया बात इन्होंने करी, अजय देवगन के साथ यहां पर संजय दत्त की भी कास्टिंग की है और साथ में नजर आएगी मृणाल ठाकुर, सोनाक्षी इस बार लगन करके। अब देखो इसकी शूटिंग तो यूके में बड़ी ही जोरों शोरों से चल रही है और आए दिन इसकी BTS देखने को मिलते हैं, तुम लोग भी देखो। बस देख ले BTS तो हो गया खत्म, और क्या है मूवी क्या देखना है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये रहेगा 2025 का सबसे बड़ा सीक्वल अजय देवगन की मूवीज का, गोलमाल फाइव की बात हो रही है। भाई साहब रोहित शेट्टी ने बोल दिया कि सिंघम अगेन जैसे अर्जुन कपूर ब्लॉकबस्टर देने के बाद अब मैं गाड़ी उड़ाकर थक चुका हूं, अब मैं कुछ लाइट हार्टेड कॉमेडी देना चाहता हूं पब्लिक को, और पब्लिक डिमांड मैं लेकर आ रहा हूं गोलमाल फाइव। तो इस बार सर कॉमेडी करके गाड़िया उड़ाएंगे, मतलब गाड़िया उड़ाने का छे 110%। अब देखो गोलमाल फाइव का तो राइटिंग प्रोसेस चल रहा है, पता नहीं कब स्टार्ट होगी कब खत्म होगी, लेकिन मेरी मानो तो 2025 के एंड
एंड तक ये आ सकते हैं, मे बी दिवाली 2025, क्योंकि उसके बाद वो काम करने वाले हैं मिशन चुलबुल सिंघम, जिसमें अजय देवगन के साथ हमें कॉप यूनिवर्स में एंट्री मारता हूँ, कॉप यूनिवर्स में नहीं आ रहा हूँ लेकिन सोलो मूवी ऐसा कुछ बोल रहे हैं। यहाँ पर यहाँ से अजय देवगन आएंगे सिंघम और यहाँ से चुलबुल सिंघम, चुलबुल पांडे, वो भी सिर्फ एक मिशन के लिए, और बन गया मिशन चुलबुल सिंघम। लेकिन भाई रोहित शेट्टी सर से मेरी गुजारिश है, जिस तरीके से हमको सल्लू भाई का केमियो तुमने दिखाकर पचका कर दिया, उस हिसाब से हमको नहीं जाना है तुम्हारे साथ। प्लीज टेक योर टाइम और अच्छी सी मूवी बनाओ, क्योंकि सलमान खान को हमको देखना है, लेकिन अच्छे से देखना है एकदम, अजय देवगन के साथ एकदम फैटी मीटिंग करते हुए, क्या बोलते हैं। वैसे सल्लू भाई से याद आया, अगली मूवीज की लिस्ट उनकी होने वाली है, तो प्लीज अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो करके रखना, और अगर अक्षय कुमार की अपकमिंग मूवीज का वीडियो नहीं देखा है तो ये रहा जाकर देखना, और ये रहा प्रभास का वीडियो, वैसे रणबीर कपूर का वीडियो भी हमने बनाया है, जाकर जरूर देखना, और ये भी बताना कि अजय देवगन की कौन सी सीक्वल के लिए तुम लोग सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो। मिलता हूं अगली वीडियो में, मैं हूं अजय कुमार, बाय।